नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त हम गोहाना रोड के सामने एक दुकान पर मौजूद है जहां पर चोरों ने एक दुकान पर हाथ साफ किया है और हज़ारों का जो है सामान लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि जो चोर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि कितना जो है सामान यहाँ से लेकर गए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पानीपत में जो चोरों का आतंक है वो लगातार जारी है। चोरी लूट की जो वारदात है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इनके यहाँ से किस तरह से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया। तोड़ा उन्होंने 1:15 बजे, फिर उन्होंने वहाँ से अंदर गले में से 3,000 रुपये कैश और 20-25 कूड़े बीड़ी के और एक देसी घी की मीठा घी की पेटी, एक आधा लीटर घी की पेटी, अजी 4-5 घी के टीन ये ले गए हैं। और फिर उन्होंने केबल की तार भी काट दी है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी आया वो पुलिस को हमने दिखाया, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वो कह रहे जी SI CI में भेजेंगे और कार्रवाई होगी, लेकिन 4-5 दिन होगी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हैं वो बस कह रहे हैं ना यहाँ पे कोई गश्त हो रही है ना कुछ हो रहा है। कौन सा घी था? डालडा घी के 3 घी के और 3,000 रुपये नकद थे, उनमें 10-10 के और सिक्के कुछ और जरूरी कागज भी दे, उनको तो पता नहीं सर, लेकिन आराम आराम से पता चल रहा है कि दुकान में पता नहीं चलता क्या चीज़ गायब हुई है। आराम से जब ग्राहक आता है जब पता चलता है ये भी चीज़ गायब है। लेकिन सर आपसे भी यही अनुरोध है, आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई की जाए, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो ये और किसी को निशाना बनाया जाए। इस समय दुकान के अंदर आए ये रात को 1 बजे आए, पिछले वाले गेट से आए बैक साइड से, और इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, फिर ये थोड़ा बहुत सामान 1 बजे ले लिए। फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में भी ये 2:54 की रिकॉर्डिंग है, फिर ये आए, इन्होंने तार भी काट दी कैमरों की, फिर ये घी के टीन और घी की पेटी फिर दूसरे राउंड में फिर ले गई सर ये। उसके बाद हम सुबह 7 बजे आए, 2 बजे दो बार का अंदर आए, दो बार सर अंदर आए हैं ये रात को, दो बार सामान ले। किस चीज़ पे आए थे कुछ पता चला है? गाड़ी में आए हैं? गाड़ी में नहीं आए सर, ये पैदल ही आए थे, पर उसमें चढ़ाई लग रही है उस प्लाट में से, जिनके पीछे गाड़ी बैक साइड में सभी पड़ोसी की दुकान का ताला तोड़ रखे हैं पहले, और वहाँ से कार्रवाई की। लेकिन शुक्र मिला मेन गेट सामने वहाँ 1 बजे छुट्टी होती है सरकारी लेबर की, तो वो आ गई उसने लिए दौड़ा तोड़ उधर से आगे से आगे पीछे मेरे वाले का कौन काम किया वो सीसीटीवी में पूरा क्लियर आ रहा है सर, उसकी फोटो भी आ रही है चोर की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम करेंगे कार्रवाई, पुलिस ने शिकायत की थी, शिकायत FIR भी दे रखी है पुलिस में, शिकायत भी कर रखी है सर, बुलाई भी मौके पुलिस की, लेकिन करेंगे हम कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कभी पहले भी कोई इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है आस पास में या आपकी दुकान पर? पहले तो सर 2-3 साल पहले हाँ, एक ओके वाला पड़ोसी उसकी 1 साल पहले हुई थी। ओके वाला ये पड़ोसी है भाई साहब, इनसे पूछ सकते हो आप, इनके ओके ओके ले गए तांबे पीतल के, काफ़ी नुकसान हुआ था इनका 20-30 हज़ार रुपये का है। तो फिर इन्होंने इसी चक्कर में दूसरी दुकान शिफ्ट करी है इन्होंने भी, उसके शटर शुटर ढीले थे बेचारे, किराए पर रहते हैं ये तो, इसलिए इन्हें पंगे, बल्कि इसका किराया 2,000 रुपये था, उसका 6,000 रुपये है, इसके इसी के लिए इन्होंने भाई दुकान ही बदल दी, भाई रोज़ रोज चोरी तो बढ़िया, तो 4,000 रुपये भाड़ा ही फालतू दे देंगे ओके वाले। तो ये दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि एक बार नहीं दो बार जो जो चोर हैं वो दुकान के अंदर आते हैं, और जो अंदर घी के जो टीन थे वो और जो जरूरी कागजात थे और कुछ कैश जो था वो लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। यही नहीं, एक दूसरी दुकान को भी उन्होंने अपना निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके ताले तोड़े गए हैं। वो दुकानदार भी हमारे साथ ही है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ घटना हुई थी और किस तरह से आप बच पाए? सबसे पहले सिटी दलका मेरा नमस्कार, और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं सुबह दुकान पर 7 बजे आता हूँ डेली, और देखा तो मेरा पावर टूटा हुआ मिला, और सामने शुगर मिल पड़ता हमारे सामने शुगर मिल पड़ता हमारा ये तार रहा जी। सुबह आके मैंने देखा कि तार टूटा मिला मैंने तो उधर फोन किया, और सामने शुगर मिल पड़ता है, तो देखा भी तारा सामने एक छुट्टी होती है उनकी, छुट्टी होती है कहना कि छुट्टी हो गई, चोर एक मुँह के भाग के होंगे, उन्होंने देखा कि शिफ्ट चेंज होती है, और प्रशासन में भी हमने प्रशासन को बोला तो प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा, अंत में प्रशासन से और
सिटी का लगाओ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि चोर आके ना काम रहे। अगर मान लीजिए कोई भी घटना शहर में होती है तो प्रशासन को सब पता होता है, अगर जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो एसपी साहब को जाके मिलेंगे। किस तरह से बच पाए, ताले तोड़ दिए गए थे, क्या लगता है आपको कि क्या कोई आया होगा उस समय, क्योंकि ताले तोड़ दिए गए उसके बाद वहाँ से फरार हो गए चोर, क्या सामने कोई आ गया होगा तो किसी ने सामने दिखा ना हमारे सामने तो सामने कोई आ गया तो साइड में मकान पर डाल मकान में निकल गए पीछे आ गए तो साइड में उनका भी कहाँ टूटा हुआ है, उनका भी गेट पानी सामान समझ लेंगे बहुत ज़्यादा चोरी होगी। तो कितना सामान दुकान में था, कोई कैश भी था जो बहुत बच पाया, कैश तो बच गया थोड़ा बहुत, अगर मैं कान टूटन पाया तो सामने इसलिए कोई आ गया इसलिए तो सामान टूट नहीं तो बच गया, आगे कोई कार्रवाई ना होगा ऐसी क्या तो प्रशासन से इन लोगों की अपील है कि जो चोर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि जो चोर है वो उन्हें लगातार पकड़ रही है, लेकिन इन दुकानदारों का रोष है और प्रशासन से इन्होंने मांग की है, अपील की है कि जो चोर हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार जो चोरों का आतंक है वो जारी है, आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देकर चोर आसानी से फरार हो जाते हैं। तो इसी तरह इन दुकानों को दो दुकानों के चोरों ने अपना निशाना बनाया है, हालांकि एक दुकान से हजारों का सामान लेकर फरार हो गए हैं, दूसरी दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक, पुलिस तक ये खबर पहुंच सके। वो चोर जो है सीसीटीवी में पूरी तरह से रिकॉर्ड है, दुकान के अंदर दिखाई साफ तौर पर दे रहा है। हम आपसे अपील करेंगे कि...